नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लव जिहाद और भूमि जिहाद का ठीकरा आरएसएस और बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया है। बर्क ने कहा है कि आज जो जुल्म जाती हो रही है, क्या ये जायज है? तो इस किस्म की नफरत हिंदू मुस्लिम और ये सारी नफरत नहीं थी, ये सब देन ये बीजेपी की तो है और इसकी आरएसएस की देन है असल तो जी। तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर या ये जो दहशतगर्दी फैली हुई है और जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो क्या ये जायज़ है? एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का राग छेड़ दिया है। किसी भी इबादतगाह से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वहीं बर्क ने बीजेपी को मुल्क के आईन के हिसाब से मुल्क चलाने की नसीहत भी दी और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। इबादत का मकसद ये है कि मुसलमानों को चैलेंज था कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, तो जहाँ तक मस्जिद हो, मंदिर हो या कोई भी गिरजा हो, कोई भी इबादत का हो, उसको तो किसी भी गवर्नमेंट को छेड़ना भी नहीं चाहिए। और वो इबादत का मसला अपनी अलहदा है, कौम हर कौम हर मज़हब के एतबार से अपने अपने हिसाब से इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसके ख़िलाफ़ सारी कार्रवाई हो रही है। अब जमहूरियत को बाकी रखने के लिए और इस आईन को पर कोई आँच नहीं आए, इसमें कोई तरमीम ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आईन की रोशनी में काम करें। खबर कानपुर से है। गाड़ी ओवरटेक करने के मामले में दवा व्यापारी की पिटाई की गई, पीटने का आरोप पार्षद के पति अंकित शुक्ला पर लगा है। पार्षद के पति ने बाउंसर्स के साथ में मिलकर दवा व्यापारी की पिटाई की है। आरोप ये भी है कि पिटाई की वजह से व्यापारी की आंख में चोट आई है। दिल्ली में इलाज जारी है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की 12 टीमें तलाशी कर रही हैं। और अब खबर मथुरा से है। वृंदावन विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। गोवर्धन इलाके में प्रशासन ने अवैध रूप से बनी 4 दुकानों को तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि इन दुकानों का प्रशासन की तरफ से नक्शा पास नहीं कराया गया था, जिसके बाद में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए दुकानों को ध्वस्त कर दिया है।